अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज की हमारी एक नई वीडियो में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सरगोधा की एक मशहूर पहाड़ी सिलसिला जो है, जिसे हम कराना भी कहते हैं, आज हम उसकी आपको एक टूर कराएंगे, उस पर एक गाइडेंस वीडियो बनाएंगे, जैसे हम पहले भी गाइडेंस वीडियोज़ बनाते रहे हैं, जैसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोधा कैंपस के ऊपर, और ऐसे ही मज़ीद सिलसिला जारी रहेगा इन वीडियोज़ का। तो आज जो है हम कराना पहाड़ी का जो सिलसिला है उसका आपको बताएंगे कि उधर जाते हुए आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमारे साथ हमारे एक मनूस दोस्त भी होंगे जो कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं और बाइक पे रेडी हैं अपना बाइक चलाने के लिए। बाइक तो नहीं, खैर वो फरारी है इनकी, अपनी लंबरगिनी है जिसके ऊपर हम जाएँगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है पहाड़ी पर जाते हुए, कि आपने इस बंदे की तरह खूबसूरत कपड़े या कैमरा मैन की तरह खूबसूरत कपड़े नहीं पहनने, ये जूते शूते भी अच्छे नहीं पहनने, बल्कि मेरी तरह फटे पुराने और घटिया चेहरा लेके कराना पहाड़ी की तरफ जाना है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह ये है कि वहाँ पर चल के ही बताऊँगा। हेलमेट वेलमेट कोई नहीं पहनना मैंने, और नहीं नहीं भाई फिर मैंने चलाने नहीं है, ये देख ये पड़ी हैं चाबियां, ले चला ले। Look at this dude. Wait till you see the no. अरे अल्लाह, इतनी जोर का गिराया है इस बंदे ने, इस मनहूस इंसान को। मैंने कहा था जरा थोड़ा सा ना तमीज के साथ गिराई, अगर गिराना भी हो ऐसे लगे एक्टिंग है इसने, बगैर इतने सच में गिरा दिया मुझे। अरे तो शर्म नहीं आई मुझे गिराते हुए, एक्टिंग कर रहा है भाई, इसने मुझे बोला था गिराने के लिए। तो तूने तो जानबूझ के गिरा दिया मुझे, पेड़ पर व्यूज ले रहा है, नहीं वो तो कुछ और होता है। जवल इंसान बड़ा गंदा गिराया यार, इसने देख चोट लग गई है यार। 1 मिलियन भाई आपको मेरे तवस्सुल से। तू है कौन? उर्दू बहुत स्ट्रांग है मेरी। हां, मेरे तवस्सुल से तमाम मेरे चाहने वालों को से गुजारिश है कि इनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। फॉलोअर है तुम्हारे और सब्सक्राइबर हैं? कोई होंगे 2000? नहीं सीरियस हाँ 1500-2000 हैं, कोशिश कर रहे हैं ये 200 भी आए। तू रिवर्स गियर लगवा दे, आगे चेक करो अगला रिवर्स गियर लगवा रहा है। ये नहीं कि कह दे भाई मिलियन तक चले जाए, वैसे तेरी किसी ने सुननी भी नहीं है। 3 वक्त की तुझे जो खाना है शनाख्ती कार्ड दिखाने पर मिलता है, ठीक है, एक वक्त का ठीक है। सस्ती करा रहा हूँ तो सस्ता है तो सस्ती कराऊंगा मैं, मैंने कौन सा महंगी मार ली, स्टैंडर्ड डाउन करना है। इस वक्त हम जो है कराना के करीब आ चुके हैं, जैसे सुलेमान आपको दिखा सकता है, मेरा कैमरामैन जियो न्यूज़ का नुमाइंदा, इस पहाड़ी को नहीं अगली को दिखाना है। वो सामने आप देख सकते हैं, सामने कराना पहाड़ी है, और ये आपके लेफ्ट साइड पे मेंटल खाना है, वाकई में मेंटल खाना है। यहाँ पे जो है ये एक हम उधर से अभी अभी ताज़ा पीस निकाल के लाए हैं, और इसके अलावा यहाँ पे क्रिकेट का भी बड़ा अच्छा यहाँ पे ग्राउंड बना हुआ है सेम का, यहाँ पे आके बड़ी हम क्रिकेट खेलते रहे यार। बचपन में मैं जब 4 साल का था मैं यहाँ पे आके रोज खेला करता था। ये बिल्कुल भी ना भूले, हमारे साथ जरार की पावर है, जरार की। तैयब यार ये दिन भी देखने थे यार, आज जुमेरात तो है नहीं मेरा ख्याल है, सड़कों पे बैठ गए फोटोग्राफी करवा रहा हूँ भाई। वाह माशाल्लाह,
फोटोग्राफर जो है ना वो हाँ तू आया बड़ा हीरो आ जा भाई आ जा तैयब बैठा हुआ है आ जा क्या कर रहे हो भाई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ मैं जितना तुम लोगों ने यार कैमरे लगा दिए यार आप सड़कों पे बैठ गए तो कवरेज तो बनती है क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो मैं जा रहा हूँ Okay. हमने ड्राइविंग सीट चेंज कर लिया है सुली मुझे आने दे नहीं, नहीं 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 मुझे आने दे ओए ओए होए होए चलो जी तो बेसिकली ये यहाँ पे ना एक पहले सेटेलाइट टाउन यहाँ पे बनने लगा था फिर यहाँ से इन्होंने उठा के जो है आगे उधर 47 वाली साइड पे कर दिया हाँ यहाँ पे सेटेलाइट टाउन बनने लगा था जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खंबे शंबे भी लगे हुए हैं तो ये इसी वजह से लगे थे कि यहाँ पे मतलब प्रॉपर आबाद होने लगी थी ये कॉलोनी तो बाकी ये है कि अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे से मुड़ जाएंगे सीधा सामने अगर जाएं तो हमारे पास मिलिट्री कैंट आ जाता है मुड़ जा भाई हेलो हेलो सामने कैंट आ रहा है यार क्या तूने क्या पहली वीको पीछे पड़ा हुआ है हमारे अबे भाई वो सही कह रहा है एक मिनट मैंने कुछ देख लिया है भाई निकल निकल इससे पहले ये एक्टिव हो एक्टिव हो रहा भाई निकल ले मैं कह रहा हूँ निकल ले मैं कह रहा हूँ ये आया ये आया बुला ले तू इसको बड़ी आवाज में बता उठ गए ओए जी तो हम इस वक्त जो है किराना पहाड़ी सिलसिले के बहुत करीब आ चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत मंजर इस वक्त नज़र आ रहा है किराना पहाड़ियों का हमने अपना ड्राइवर जो है वो अपनी गाड़ी के साथ खड़ा कर दिया है और ड्राइवर साहब इधर ही रहना आपने मूव नहीं करना ठीक है बाकी हम मैं और सुलेमान खेतों में आ गए हैं और हम अपने पंजाब का जो है अपना कल्चर दिखा रहे हैं अपने पंजाब का यहाँ पे ये घनी झाड़ी है और हुज़ैफ़ा साजिद को कुछ मेमोरीज याद आ गई हमारे ड्राइवर को बहरहाल इस वक्त ये पहाड़ी सिलसिला जो है बंद करो यार ये शोर बंद करो अरे मेरी गाड़ी गई हवा लुट गया हवा बर्बाद हो गया बहरहाल ये जो पहाड़ी सिलसिला है इस तक हम एक्सेस हासिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इस वक्त मिलिट्री के कंट्रोल में है जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो मेरा कैमरा मैन थोड़ा जूम करके दिखाए इसके ऊपर एक रिडार सा बना हुआ है ठीक है तो ये जितना भी एरिया है ये सिक्योर्ड है आर्मी के अंडर तो चलते हैं आगे इंशाल्लाह आपको आगे से दिखाते हैं वापस आ आ आ आ आ मैं ना बड़ा अमीर हुआ करता था मैंने अपनी सिविक शिविक और ये जितनी होंडा शोंडा की गाड़ियां ना मैंने यहाँ पे लगा दी थी मैंने कहा फिर जब आता जाता रहूंगा लेता रहूंगा इधर से